ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुंजन सक्सेना की बायोपिक में भारतीय वायुसेना के कथित नकारात्मक चित्रण पर नाराजगी करते हुए वायुसेना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक पत्र लिखकर फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई है। इस पत्र में लिखा गया है कि फिल्म बनने से पहले धर्मा प्रोडक्शन ने कहा था कि ये फिल्म युवाओं को भारतीय सेना वायुसेना के प्रति प्रोत्साहित करेगी, लेकिन फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता। वायुसेना की तरफ से लिखे इस पत्र में ये भी कहा गया है कि इसके उलट फिल्म में कुछ दृश्य ऐसे हैं जो भारतीय वायुसेना की नेगेटिव छवि दर्शाते हैं। मेरे साथ श्रृंजॉय यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। श्रृंजॉय, वायुसेना ने यहाँ पर नाराजगी जताई है और कहा कि जब फिल्म बनाई जा रही थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इस बायोपिक में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वायुसेना ज्वाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन अब फिल्म का ट्रेलर उससे ठीक उलट कुछ कहता है। देखिए, जो एयरफोर्स कह रहा है दैट द गुंजन सक्सेना कैरेक्टर वाज बीइंग ग्लोरिफाइड और इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोरिफाइंग द कैरेक्टर दे हैव प्रेजेंटेड सिचुएशंस दैट आर मिसलीडिंग एंड पोर्ट्रे एन इनअप्रोप्रिएट वर्क कल्चर स्पेशली अगेंस्ट वुमेन इन द एयरफोर्स। एयरफोर्स का कहना है दैट एयरफोर्स जेंडर न्यूट्रल है एंड ऑलवेज ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए हैं फॉर मेल एंड वुमेन पर्सनल। सो एज अ रिजल्ट ये दिस फिल्म हैज डायलॉग एंड सीन्स विच द एयरफोर्स सेज आर ऑब्जेक्शनेबल एंड शो इनकरेक्ट जेंडर बायस। नाउ ये चिट्ठी गए है सेंसर बोर्ड को। वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस नाउ। Shinjoy, does this letter also mention of removing of some of the scenes? Or Yes. has Air Force has said that, before you release the movie, just show it to us once and only then you'll be allowed to release it? See, the Air Force are saying that yes, we have objected to certain scenes in the movie, but all the film production authorities have done is present a disclaimer. Now, a disclaimer, yes, you've done a disclaimer. But the disclaimer is not good enough. It's not appropriate enough. If it were, then the Air Force would have had no problem. But to merely say that this is a disclaimer, to insert a disclaimer, is not appropriate. That's what the Air Force feels. The scenes are still there. All the authorities, the producers have done is actually add a disclaimer. And that the Air Force believes is not good enough. थैंक यू सो मच श्रृंजॉय फॉर गिविंग अस आउट ऑल दीज डिटेल्स। ये थे श्रृंजॉय जो बता रहे थे कि कैसे वायुसेना ने इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि गुंजन सक्सेना के कैरेक्टर को ग्लोरिफाई किया गया है, लेकिन कुछ दृश्य फिल्म में जरूर ऐसे हैं जो वायुसेना की छवि को खराब करते हैं। देखिए, इससे पहले जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने सेंसर्ड बोर्ड के साथ साथ